नमस्कार, आप सबका स्वागत है HJ न्यूज में। एक्ट्रेस जया बच्चन 9 अप्रैल को 69 साल की हो जाएगी। साल 1971 में फिल्म गुड्डी से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली जया बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जया को उनकी पहली फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। अमिताभ को लंबू लंबू कहकर चिढ़ाती थीं जया की सहेलियां। जया बच्चन जब पुणे में पढ़ाई कर रही थी तो उसी दौरान अमिताभ बच्चन वहां अपनी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी 1979 के लिए आए थे। जया बच्चन उन्हें पहचानती थी। जया बच्चन की सहेलियां अमिताभ को देख उन्हें लंबू लंबू कहकर चिढ़ा रही थी, लेकिन जया ने उन्हें संजीदगी से लिया। उनके मन में उस समय अमिताभ बच्चन की छवि हरिवंश राय बच्चन के संस्कारी और साथी बसंत बेटे की थी। अमिताभ पर हुई फिदा, ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के लिए पहले जया के साथ अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था। बाद में अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से साइड कर दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि अमिताभ के लिए जया के मन में एक तरह का प्रेम या सहानुभूति इसी घटना के बाद हुई थी। छोटी सी गुड्डी का लंबा दूल्हा। जया और अमिताभ का परिचय ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के सेट पर कराया था। इसके बाद 1973 में अमिताभ बच्चन और जया साथ साथ जंजीर फिल्म में नजर आए। इसी फिल्म के दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। वह इस फिल्म के बाद छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने साफ कह दिया कि यदि वह जया के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो उन्हें पहले उनसे शादी करनी होगी। एक बेहद सादे समारोह में 3 जून 1973 को अमिताभ और जया की शादी हो गई थी। पिछले 43 सालों से ये एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं।